बड़ी खबर आपको सबसे पहले दिखाते हैं, कैसे फ्रांस की राजधानी पेरिस सुलग रही है इन दिनों, कैसे फ्रांस की राजधानी पेरिस में जनता उग्र हो गई है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में जनता का उग्र प्रदर्शन आपको दिखाते हैं, किस तरह से वहां रिटायरमेंट बिल के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हैं, हिंसा कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए, लोगों ने सड़कों पर आगजनी की है, दंगे जैसे हालात बन गए हैं कुछ जगहों पर। वहां पर प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी है, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने टीयर गैस वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। पेरिस में उग्र प्रदर्शन की तस्वीरें आपके सामने, रिटायरमेंट बिल के खिलाफ सड़कों पर लोग वहां पर उतर आए हैं। आप सोचिए, ये तस्वीर किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री की नहीं है, ये तस्वीर किसी ऐसे रोग कंट्री की नहीं है जहां पर सरकार नाम की चीज ना हो। ये दुनिया के सबसे उन्नत मुल्कों में से एक, दुनिया की डेवलप्ड इकोनॉमीज में से एक फ्रांस की तस्वीर है, बल्कि फ्रांस की राजधानी पेरिस की तस्वीर है, जहां दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। देखिए कैसे सुलग रहा है पेरिस, रिटायरमेंट बिल के खिलाफ सड़क पर लोग उतर आए हैं, आग लगा रहे हैं जगह जगह पर, तोड़फोड़ कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, पुलिस के साथ मारपीट कर रहे हैं। ये पेरिस की तस्वीर आपको बताने के लिए काफी है कि फ्रांस में इन दिनों ऑल इज नॉट वेल। मैक्रों सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है पेरिस में रिटायरमेंट बिल के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। तो आमतौर पर यूरोप के देशों को शांत माना जाता है, माना जाता है कि यूरोप में इतनी ज्यादा वहां पर सड़क पर इस तरह के प्रदर्शन नहीं दिखते, लेकिन यूरोप के दिल कहे जाने वाले पेरिस की जो तस्वीर आपको हम दिखाने जा रहे हैं वो देखकर आप चौंक जाएंगे। फ्रांस की राजधानी में नए पेंशन बिल को लेकर किस तरह से वहां पर आग लग गई है, देखिए कैसे पेरिस जल रहा है। गाड़ियों में आग लगा दी गई है, सड़कों पर टायर जलाए जा रहे हैं, लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कैसे पेरिस में पुलिस वालों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है इस प्रदर्शन को शांत करने के लिए, आप इन तस्वीरों में देखिए। दूसरा, सड़कों पर कैसे भारी भीड़ उतर आई है, लोग कैसे सड़क पर उतर आए हैं इस पेंशन बिल के खिलाफ, वो आप इस तस्वीर में देखिए। ये देखिए कैसे बहुत बड़ी भीड़ आपको दिख रही है, जरा इसको क्लोज करके दिखाते हैं आपको। देखिए कैसे बहुत बड़ी भीड़ इस वक्त पेरिस में सड़कों पर उतरी हुई है, ये तस्वीर आप देखिए। अब तीसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं, कैसे पुलिस ने वहां वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, टीयर गैस का इस्तेमाल किया, आंसू गैस का, पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस को पूरी ताकत झोंक देनी पड़ी है वहां पर, ताकि इन प्रदर्शनकारियों को काबू में किया जा सके, ताकि इन प्रदर्शनकारियों को काबू में लाया जा सके। ये पूरी वहां पर पुलिस ने ताकत झोंक दी है। आइए एक एक तस्वीर डिटेल में दिखाते हैं आपको। ये तस्वीर देखिए, प्रदर्शनकारी जब सड़कों पर उतरे तब पुलिस को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में ये प्रदर्शन इतना उग्र हो जाएगा। देखते ही देखते सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे और नारेबाजी करने लगे। थोड़ी देर में भीड़ हिंसक हो गई और सड़कों पर मौजूद कारों को निशाना बनाया जाने लगा। पहले कारों को तोड़ा गया और फिर उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। ये पेरिस की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तो पेरिस में दर्जनों कारें जली, लोग इतने गुस्से में थे कि संपत्ति को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहते थे। जब तक पुलिस बल नहीं था तब तक सड़कों पर अव्यवस्था थी, ट्रैफिक जाम था, लेकिन पुलिस के आते ही प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने खदेड़ना शुरू किया और उसके बाद दोनों के बीच हल्की वहां पर झड़प भी हुई। वो तस्वीरें भी आपके सामने हैं, कैसे वहां पर भीड़ और पुलिस आमने सामने थे। और पुलिस ने इलाके को चारों तरफ से घेर लिया, बैरिकेडिंग कर दी गई, प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। सिर्फ इतना नहीं, लोगों पर टीयर गैस भी छोड़ी गई, आंसू गैस। करीब दो घंटे तक ये उत्पात पेरिस की सड़कों पर होता रहा, ये बवाल ऐसे ही रहा दो घंटों तक। उसके बाद बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस इसको शांत कराने में कामयाब रही। और अब आपके जहन में यह सवाल होगा कि आखिर क्यों सुलग उठा पेरिस, आखिर क्यों लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं। आइए आपको बताते हैं पेरिस क्यों सुलग उठा। जल्दी से आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर
पेरिस में या फ्रांस में लोग इतना गुस्से में क्यों हैं? जब सुलग उठा पेरिस, दरअसल वहां सरकार एक नया पेंशन बिल लेकर आई है जिसका लोग वहां पर विरोध कर रहे हैं। बिल में क्या है ये जानिए। बिल में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है। रिटायरमेंट की उम्र अभी वहां फ्रांस में 62 ईयर्स 62 साल है, जिसको 64 साल करने का प्रस्ताव वहां की मैक्रों सरकार ने रखा है। सरकार का तर्क है कि इससे टैक्स बढ़ोतरी से बचेंगे और पेंशन में कटौती सरकार जो चाहती है उसको रोकने का रास्ता वहां पर होगा। सितंबर 2023 से लागू किए जाएंगे नए नियम, लेकिन अभी से लोग सड़कों पर उतर आए हैं। और क्यों उतर आए हैं? क्योंकि उनका कहना है कि इनको ज्यादा लंबे वक्त तक काम करना पड़ेगा और वो जो पहले रिटायर होना चाहते हैं उनको पेंशन जो थोड़ी पहले चाहिए वो उनको नहीं मिल पाएगी। 64 साल तक काम करने के लिए ये लोग राजी नहीं है और इसलिए पेरिस जल रहा है।